राहुल सर, हैवी मेटल में कुछ स्ट्रेटजी या कोई अपॉर्चुनिटी इस समय निकल रही है? हैवी मेटल में हमने कल देखा कि एलएमई में हॉलिडे था और उस वजह से एलएमई की तरफ से कहीं हमें मेजरली व्यू मिलते हुए नहीं दिखे, बट इवनिंग सेशन में हमने यूएस में कॉमेक्स में काफी ज्यादा फॉल देखने को मिला सारी बेस मेटल में। बट मोस्टली बेस मेटल में दो व्यू बनते हुए दिख रहे हैं, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि पावर सप्लाई कम के वजह से जो माइनिंग से उसमें प्रोडक्शन कम हो रहा है और उसके वजह से जो है एलएमई इन्वेंट्री में कमी देखने को मिल रही है। वहीं पे डॉलर इंडेक्स में जिस हिसाब से तेजी बनते हुए दिख रही है तो वो बेस मेटल को ऊपरी लेवल पे कैप करते हुए दिख रहा है। बट आज के सत्र में हमें लगता है कि कॉपर में राइट नाउ 664 के लेवल मूव होते हुए दिख रहे हैं, 661 के आसपास में बाय कीजिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 657, टारगेट ऊपर में 670-674 के रहेंगे। ठीक है, कॉपर में एक भी बढ़िया स्ट्रेटजी है। ठीक है, जिंक में भी कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या? जिंक सर 313 चल रहा है, 140 के आसपास में मूव होते हुए दिख रहा है। अभी हमें लगता है कि मॉर्निंग सेशन में थोड़ा प्रेशर बना हुआ रहेगा, 612 के आसपास में बाइंग इनिशिएटिव किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ सिक्स सॉरी 312 के लेवल के आसपास में बाइंग इनिशिएटिव किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 310, ऊपर में टारगेट 317 के रहेंगे। क्योंकि बड़ी गिरावट आई है ऑलरेडी सर, तो ये यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसके नीचे देख रहे हैं आप कह रहे हैं बिल्कुल 112 बिल्कुल के। बिल्कुल